नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। दीपावली आ चुकी है, लेकिन देश में धार्मिक उन्माद की बात कर ले तो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले एक्टिव हो गए हैं। मामला नवी मुंबई का है, जहां तालोजा सोसाइटी के बाहर लाइट लगाने को लेकर कुछ मुस्लिम लोगों ने सवाल उठाया। मामला इस कदर बढ़ गया कि महिलाएं अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लग गई, लोग गंदी गंदी गालियां देने लगे, जिसको लेकर सवाल उठता है कि सनातन धर्म के त्योहारों को लेकर क्यों इतनी परेशानी है। जामिया में भी दीप जलाने को लेकर विरोध हुआ। सवाल है कि कौन है वो लोग जो नहीं चाहते हैं कि देश में कोई भी त्योहार शांतिपूर्वक मनाया जाए। महाराष्ट्र की नवी मुंबई में दिवाली पर दो समुदायों के बीच दिवाली की लाइटों को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला। सोसाइटी के कुछ लोगों के मकानों पर लाइट लगाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल नवी मुंबई के तलोजा सेक्टर 9 क्षेत्र के पंचानंद सोसाइटी के बाहर दो समुदायों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि इमारत के सार्वजनिक क्षेत्रों और सड़क पर दिवाली त्योहार के लिए रोशनी करने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई। इस मामले में महिलाओं पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगा है। तो आज तक ये होता क्या नहीं होता, तलोजे वाले क्या बोले थे, नहीं हम काटेंगे, अभी हम खड़े थे, पुलिस लेके मैं खड़ा था। ये त्योहार नहीं है, मैं क्या बोलूं, ये बिल्डिंग का शो बढ़ रहा है क्या, नहीं बोलो, चलो सुनो सुनो, पहला मेरा सुनो, मेरा पहला, आपको पीछे आदि मालूम है, आदि आ रहा है, वो नहीं बोला मैं, आधा एक का एक कुछ मिनट है, करो बड़े मालिक पैर पकड़ो, इससे पहले बकरीद के दिन हिंदू परिवारों ने मुस्लिमों की ओर से सोसाइटी में बकरे लाकर उन्हें काटने का विरोध किया था। इसलिए बकरीद पर समाज में बकरे लाने और काटने का विरोध करने के बाद अब मुस्लिम दिवाली पर रोशनी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन देश के अंदर सनातन पर होता प्रहार देश के लिए खतरनाक है। देश में एक तबके का केवल काम ही सनातन पर कुठाराघात ही करने का रह गया है। इससे पहले जामिया में भी इसी तरह की हरकत सामने आई। तब जामिया कैंपस में दीपक जलाने को लेकर विरोध हुआ था। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर वो कौन से लोग हैं जिन्हें सनातन के हर त्योहार से परेशानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। सवाल यही है कि आखिर कौन है वो लोग जिन्हें त्योहारों से एतराज है। दिवाली पर माहौल बिगाड़ने की साजिश आखिर रच कौन रहा है? और बीजेपी ये कह रही है कि हिंदुओं के त्योहार को ही क्यों टारगेट किया जाता है, चाहे होली हो दिवाली हो, हर त्योहार पर क्यों आखिर बवाल किया जाता है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार मेहमानों का तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ विमल सिंह जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। यश श्रीवास्तव कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। फजील अहमद हैं, मुस्लिम स्कॉलर और उपमन्यु महाराज हिंदू धर्म गुरु के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। निपुण आलम बयान हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़े हुए हैं। और पवन शर्मा जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुरुआत करते हैं चर्चा की। विमल सिंह जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं, क्यों बीजेपी ये कह रही है कि दिक्कत दरअसल सिर्फ हिंदू त्योहारों से होती है? आपको क्यों लगता है कि सिर्फ हिंदू त्योहारों को ही टारगेट किया जा रहा है? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, हम तो जो है सर्वे सुखना भवंत कहते हैं, हम जो है सबका साथ सबका विकास लेकर चलने वाले लोग हैं। हम जो है प्यार से जो है इस देश के अंदर जो है ईद भी मनाया जाता है, इस देश के अंदर जो है बकरीद भी मनाया जाता है। लेकिन जब भी इस देश में जो है शोभा यात्रा निकलता है तो पत्थरबाजी जरूर होती है।
जब भी इस देश के अंदर जो है रामनवमी पे किसी प्रकार की यात्रा निकलती है, कोई जुलूस निकलता है, तो पत्थरबाजी किया जाता है। लेकिन आज देखिए आज किस तरीके के लोग हैं। देखिए ये ऐसा नहीं है कि सारे जो है मुसलमान जो है इस तरीके के जो है विचार को रखते हैं। बहुत कुछ ऐसे तबके के लोग हैं जो धार्मिक जो है सांप्रदायिक फैलाने का जो है प्रयास करते हैं, सौहार्द माहौल जो है खराब करने का प्रयास करते हैं देश के अंदर। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस तरीके के जो लोग हैं उनको उकसाता कौन है, उनको जो है अगर मान लीजिए कि कभी आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बहुत व्यंग्यात्मक तरीके से जो है बयान भी देते हैं। मैं कहना चाहता हूं चारुल जी कि ये पहली बार नहीं हो रहा है देश के अंदर। और हम जो है बकरीद, हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मुसलमान हैं जो मुझे बुलाते हैं ईद पे बकरीद पे, मैं बहुत प्यार से और सौहार्द के साथ जाकर जो है उनके साथ बैठता हूं और उनके त्यौहार को जो है मनाता हूं। लेकिन देखिए आज जो है एक मुंबई का आपके जो है चैनल पे जो दिखाया जा रहा है कि मुंबई के अंदर जो है लोग जो है अगर अपने घर पे लाइट लगाते हैं तो उसको उसका जो है विरोध किया जा रहा है। देखिए जब वहाँ पे जो है जब बकरा काटा जाता, देखिए बकरीद में जो है बकरा काट के लोग, देखिए किसी का जो है अगर आप निर्मम हत्या करके जो है अगर आप अपना त्यौहार मनाते हैं और आप अपनी खुशी मनाते हैं तो ये गलत है, और उसका अगर उन्होंने विरोध किया तो ये गलत नहीं है। दूसरी चीज आज देखिए दीपावली जो है क्यों मनाई जाती है, दीपावली इसलिए मनाया जाता है कि जो है जो हमारे पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं वो जो है 14 वर्ष का जो है जो वनवास है उसको जो है ख़त्म करके जब वो अयोध्या आए थे, जब उन्होंने जो है रावण का वध किया था तब वो अयोध्या आए, तो अयोध्या वासियों ने जो है उनका स्वागत किया था दीप जलाकर दीपोत्सव मनाकर। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस तरीके की चीज़ें जो है नहीं आनी चाहिए, और जो इस तरीके के लोग हैं जो प्रदेश के माहौल को खराब करते हैं, देश के सौहार्द को खराब करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। त्योहारों को टारगेट किया जा रहा है। निपुण जी क्या वाकई ऐसा लगता है कि सिर्फ हिंदू त्योहारों को टारगेट किया जाता है या फिर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस तो अमूमन हर त्योहारों पर देखने को मिलती है? देखिए टकराव होना, अगर हम बात करते हैं किसी भी पर्व की हम बात कर सकते हैं तो टकराव तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी संभावना बनती है। लेकिन देखिए बड़ी बात क्या होती है कि आप जिस प्रकार से देखें कि जैसे आपका राम शोभा यात्रा निकल रही है, दुर्गा माता के जो पंडाल हैं उन पर हमले होते हैं, दीपावली पे जैसे घटना, और अभी विमल जी बोल रहे थे, मैं एक बड़े इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे समझ ये पाया कि देखिए अगर हम बकरीद की बात करें, आप अपना कोई भी व्यक्ति है, अगर हम बात करें कि भाई शाकाहार एक मूल्य है, मांसाहार किसी व्यक्ति का अपने एक वैल्यूज हो सकते हैं कि मैं मांस खाऊंगा या मेरे धर्म की वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात क्या होती है कि अगर आप इसको पब्लिकली कहीं पर इस प्रकार का कोई कार्य करते हैं जिससे दूसरे व्यक्ति को, दूसरे धर्म के व्यक्ति को आप धर्म का एंगल हटा दीजिए, क्या किसी की हिंसा जो है, हत्या जो है, हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति के अपने संस्कार अपने मूल्यों के अकॉर्डिंग वो एक बड़ा घृणित, और मैं कहता हूँ कि किसी भी धर्म के लोगों के साथ में वो दिक्कत हो इश्यूज क्रिएट कर सकता है। लेकिन मेरे समझ में बात नहीं आ रही कि रोशनी से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, रोशनी का कोई एंगल धार्मिक एंगल लगाकर बस इसलिए कि हमको विरोध करना है, हमको इसके अगेंस्ट खड़ा होना है इसलिए बैठ जा रहे हैं, तो ये तो बात गलत है। मतलब कोई तर्क लॉजिक हो, मैं कहता हूं कि भाई आपका बकरी ईद पर आई गई कि तर्क नहीं है, सिर्फ विरोध करना है इसलिए विरोध किया जा रहा है। स्वामी उपमन्यु महाराज क्या लगता है कि वाकई सिर्फ हिंदू त्योहारों को टारगेट किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा? हां बहुत गंदी मानसिकता है। हमारा देश आजाद हो गया 1947 में, मेरे को लगता है अभी भी आजाद नहीं, अभी भी औरंगजेब के प्रवृत्ति वाले लोग हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रवृत्ति वाले लोग हैं, दोनों के प्रवृत्ति वाले लोग हैं जो अपने ढंग से जीना चाहते हैं, जबकि अब यहाँ पे संविधान लगा है कि सबको न्याय बराबर से मिलना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। लोग सोचते हैं कि ये हमारा हक है, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये मेरा कर्तव्य है, और कर्तव्य और अधिकार एक सिक्के के दो पहलू हैं। आज सिक्का उछालिए, एक तरफ कर्तव्य है और एक तरफ अधिकार है, तो लोग अधिकार तो हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, ये पड़ाके नहीं छूटने चाहिए, रोशनी नहीं होनी चाहिए, ये भीड़ नहीं, ये यात्रा नहीं होनी चाहिए। अरे भाई आपके अधिकार कितने हैं, आप अपने अधिकार और कर्तव्य को दोनों को एक तरीके से देखिए, बहुत गहराई से सोचने की बात। तो अभी मानसिकता लोगों की बदली नहीं है, आजादी तो मिल गई है, लेकिन आजादी की मानसिकता कुछ लोग आज भी औरंगजेब के ख्याल के हैं और कुछ आज तक ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं। हमारी कांग्रेस में एक खास बात है, कांग्रेस भाई वाले सुन रहे होंगे कि आज भी वो उसी मानसिकता से चलते हैं जैसे उनको ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने सिखाया था, डिवाइड एंड रूल। चाहे डिवाइड जाति में हो, चाहे डिवाइड धर्म में हो, डिवाइड एंड रूल का काम वो शुरुआत से 1947 से करते आ रहे हैं।
जबकि हम लोग चाहते हैं कोई भी सनातन संस्कृत का एक व्यक्ति, ये लोग अगर मौजूद हैं तो केवल हमारी सनातन संस्कृत के पास मौजूद है। सवाल उठता है कि इसका जिम्मेदार एक समय मेरी पूरी बात होने दीजिए, एक मिनट लेंगे, नहीं आप अपने जवाब में इस बात को शामिल कीजिए, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को क्यों ठहराया जाए? हरियाणा में बीजेपी सरकार है, वहाँ पर भी बैन है, महाराष्ट्र में भी बैन है, बीजेपी शासित में भी हो रहा है ना भाई। इसलिए मैं आपका उत्तर दे रहा हूँ, इसलिए कि जब कभी विवाद होता है, कोई पकड़ा जाता है, तो सारे कांग्रेस के वकील और सारे कांग्रेसी, ये नहीं होना चाहिए, ये हो गया। इस मैंने प्रत्यक्ष देखा है, मेरी उम्र 70 साल की हो रही है और मैंने ये देखा है कि वही लोग सपोर्ट करते हैं उनको कि जिन्होंने गलती की होगी उसको। इसलिए मैं खुल के कह रहा हूँ और नेशनल चैनल में कह रहा हूँ, कोई लोकल चैनल में नहीं कह रहा हूँ, कि इनकी प्रवृत्ति ऐसी है कि उसी को ही सपोर्ट करेंगे जिसने अन्याय किया होगा, जो संविधान को तोड़ने वाला है उसको वो करा। आप ध्यान से समझिएगा कि ये हमेशा होता रहा है, आज से नहीं, एक साल पहले देख लीजिए, दो साल पहले देख लीजिए, 10 साल पहले देख लीजिए, 47 से लेके आज तक जब जब कभी अन्याय हुआ है तो हमारी कांग्रेस, हमारे कम्युनिस्ट, इन्होंने ही उनका पक्ष लिया है। अफजल के लिए 12 बजे रात में कोर्ट खुलवा दिया गया, क्या मतलब है? अरे सब न्यायिक प्रक्रिया है, सब कुछ होगा, सवेरे हो जाता। आप कह रहे ना क्यों किया, और उसमें सारे वकील मैं हमारे जो कांग्रेस प्रवक्ता है यश श्रीवास्तव उनसे जवाब ले लेती हूं। मोर देन 50% कांग्रेसी थे और वकील कांग्रेसी थे सब। ठीक है, मैं एक बार जवाब ले लेती हूं। यश श्रीवास्तव जी, देखिए यहां पर कई सारी बातें कांग्रेस को लेकर की जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? चारुल जी देखिए, मुझे आज जब इस डिबेट के लिए निमंत्रण मिला था तो मुझे सब्जेक्ट ये पता चला था कि एक दूसरे शहर में बजरंग दल ने होर्डिंग लगाया है और उसमें वो कह रहे हैं कि दिवाली पर सिर्फ आप उनसे ही दिवाली सामान खरीदिए जो खुद दिवाली मनाए, ये मुझे पता चला था जी। तो बड़े अचरज की बात है किसी ने भी, और ये इनको चुप कराई, अभी मैं बोल दूंगा तो फिर उनको बुरा लग जाएगा। एक बार जवाब, नहीं बुरा नहीं लगेगा, तो आपकी अभी लगाता हूँ मैं बुरा, महाराज आदम नहीं लगेगा बुरा, इसलिए नहीं लगेगा कि मुझे मालूम है कि आप बुरा कहोगे, बुरा इसलिए नहीं लगेगा मुझे मालूम है आप बुरा कहोगे। महाराज जी एक बार जवाब तो पूरा होने थे, वो आपके जवाब के बीच में नहीं बोले थे जी। यश जवाब पूरा कीजिए जी। तो ये जो धर्म गुरु हमें बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, इनको बताइए कि अभी महाराष्ट्र की घटना है कुछ ही दिन पहले की, जब नवरात्रि की झांकी का विसर्जन हो रहा था और माता की मूर्ति लेके जो लोग जा रहे थे वो डीजे पे गालियां बजा रहे थे, वो वीडियो भी बहुत वायरल हुआ, सबको पता चला। किसी धर्म गुरु ने, किसी बजरंग दल ने, किसी आरएसएस बीजेपी, किसी ने भी आपत्ति नहीं उठाई। तो हमें धर्म मतलब ये भी करेंगे, अरे चुप रहो यार बाबा जी, बीच में बताओ आप। तो एक ने गलती की है कि मुंबई में ऐसा क्यों हुआ, मुंबई में ही क्यों हुआ, जिस राज्य में अभी चुनाव होना है उसी राज्य की राजधानी में ऐसी एक घटना होती है। ऐसा भी नहीं है कि यदि कहीं खबर नहीं आ रही है तो ये घटना कहीं और हुई ही नहीं होगी, और ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी वालों के रहते हुए पहली बार हो कि चुनाव के ठीक समय पे उसी जगह कुछ ऐसा हो जाए जहां चुनाव होने वाला है। तो ये जो पैटर्न है ना चारुल जी, इसको समझने की जरूरत है। बीजेपी आरएसएस को कोई काम नहीं है, इनसे पूछो धर्म की असली परिभाषा क्या है, इनके ऊपर वाले नहीं जाते। मैं बता रहा हूं आपको, नवरात्रि की झांकी विसर्जित करते समय माँ की मूर्ति लेके जा रहे हैं और गालियां बजा रहे हैं डीजे पे, मुझे बुरा लगा है, मैं हिंदू हूं, लेकिन किसी फर्जी धर्म गुरु ने, किसी बीजेपी आरएसएस वाले ने, किसी बजरंग दल, ये दल वो दल, किसी ने भी आपत्ति नहीं उठाई। और मैं बता देता हूं आपको, बंबई एक ऐसा शहर है जो इस देश में मल्टी कल्चरलिज्म का ब्रांड एम्बेसडर माना जाता है, क्योंकि आजादी के भी पहले से वहां हर धर्म और समुदाय के लोग रह रहे हैं, वहां के लोग इतने जाहिल नहीं हो सकते। ये बनाई हुई खबर है, किया हुआ इंसिडेंट है, और ये इसीलिए किया गया है कि लोग उसी बंबई में धारावी का मुद्दा छोड़ के, सब अपना जेब का और समाज का सुरक्षा का मुद्दा छोड़ के जो कह रहे हैं वो सत्य है, ये बनाई हुई है। अरे बीच में मत बोलो बाबा जी, आपकी बात नहीं, अगर गलत बात होगी मैं अगर गलत बोलूं आप बिल्कुल बाबा जेब में से भभूत निकालने वाले बाबा से मैं भभूत नहीं निकालता हूं। अरे जाओ, मैं आदमी को समझाता हूं, शासन प्रशासन समाज सबकी सेवा करना। यश जी कैसे हिंदू देश में
सौहार्द कैसे बिगड़ रहा है, खड़े हो जाओ जाके सड़क पे। सर सौहार्द कौन बिगाड़ रहा है, सौहार्द कौन बिगाड़ रहा है, जो त्योहार मनाना संवैधानिक अधिकार है, फिर कुछ नेता बयानों की फुलझड़ियां चला देते हैं, लेकिन लोगों को त्योहार मनाने से क्यों रोका जा रहा है? क्या सिर्फ और सिर्फ दिवाली ही जिम्मेदार है दिल्ली में एयर पॉल्यूशन के लिए? अभी तो दिवाली भी नहीं आई, उससे पहले ही AQI 400 के पार पहुंच गया कई जगह पर। सिर्फ दिवाली मनाने से ही क्या आपको लगता है कि एयर पॉल्यूशन हो रहा है? देखिए चारुल जी, बचपन से हम देखते आए हैं, पूरा सदियों से सारे धर्म अपना अपना त्योहार मनाते हैं, शांतिपूर्वक मनाते हैं, बड़ा सौहार्द प्यार से मनाते हैं जी। और ऐसा क्यों हो रहा है? पिछले 10 साल से जब भी किसी भी धर्म का त्योहार आता है, हिंदुत्व के त्योहार की बात हो या तमाम सारे की बात हो, भाई इस तरह से घटनाएं सामने क्यों आती है? इसलिए आती है कि भारतीय जनता पार्टी से फायदा होता है। अब देखिए दिल्ली के अंदर क्या, उत्तर भारत के अंदर पुलिस की समस्या है, मुंबई के अंदर पुलिस की समस्या है, इनकी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पॉल्यूशन के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए पटाखे पे बैन लगाया, इतने बुजुर्गों को समस्या होती है, बच्चों को समस्या होती है, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेता दिल्ली के लोगों को भड़काने वाले के आप पटाखे फोड़िए। मैं जानना चाहता हूँ हमारे हिंदुस्तर में भगवान श्री राम जब आए थे दीप जला के इनको स्वागत किया गया था, तो पटाखे कहाँ बजाए थे? भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जब बाहर आए थे तब तो पटाखे चलाए गए थे ना, अरविंद केजरीवाल जब बाहर आए थे तब तो पटाखे चलाए गए थे ना सर, तब भी तो एयर पोल्यूशन हो सकता था। चारुल जी, पोल्यूशन के मुद्दे पे एक ग्रैब का नियम होता है, जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ेगा ग्रैब के नियम लागू हो जाते हैं, अब ये काम नहीं होगा, अब ये काम नहीं होगा। दिल्ली के अंदर पिछले 10 महीने से पोल्यूशन का लेवल ठीक था, अच्छा था, लेकिन जब पोल्यूशन का लेवल इतना हो रहा है, दिवाली पर बढ़ गया, समस्या हो रही है, दिवाली पर बढ़ गया, तो भारतीय जनता पार्टी पोल्यूशन को बढ़ाने लगी हुई है। मेरा सवाल ये था कि साफ हवा संवैधानिक अधिकार है, त्योहार मनाना संवैधानिक अधिकार है, फिर आप कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम आए थे तो दिए जलाए गए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब बाहर आते हैं तब तो पटाखे चलाए जाते हैं ना, फिर आम जनता त्योहार क्यों नहीं मना सकती है? वो त्योहार जो साल में एक बार आता है उसे त्योहार मनाने की इजाजत क्यों नहीं? अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खुश होकर पटाखे चला सकते हैं तो दिल्ली की जनता दिवाली पर पटाखे क्यों नहीं चला सकती है? सवाल है। रूल्स तो सब के लिए आप। मेरा तो हमारे बच्चों की जान को खतरे में रखते हुए, बुजुर्गों की जान को खतरे में रखते हुए मनाया जाए, मुझे लगता है कि मेरा तो फिर तो इसका अमल आम आदमी पार्टी को सबसे पहले करना चाहिए। बच्चों और बुजुर्गों की जान तो खतरे में तब भी है ना जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पटाखे चलाते हैं, या फिर उनके पटाखे कुछ अलग बनाए जाते हैं कि वो बुजुर्गों को हानिकारक नहीं, मतलब हानि नहीं पहुंचाएंगे, सिर्फ जब दिवाली पर पटाखे चलेंगे तब हानिकारक हैं। केजरीवाल जी बाहर आते हैं तब वो जनता के लिए उपयोगी हो जाते हैं, उनमें स्वच्छ हवा निकलती है, परफ्यूम्स होते हैं, क्या मतलब इस चीज को अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। हाँ, मुझे देखिए नरेंद्र मोदी जी जब भाजपा के हेडक्वार्टर में गए हरियाणा चुनाव जीतने के बाद, किस तरह से पटाखे फोड़े गए थे, उस तरह दिल्ली में उस समय पे बैन नहीं था। अब बैन इसलिए है कि क्रैप का नियम लागू जा रहा है, और एक 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 फेस्टिवल के लिए नहीं है, ये दीपावली के बाद जब नंबर्स आएगा उस समय तक के लिए है, जब तक पोल्यूशन का लेवल बढ़ेगा विकसित किए जाते हैं। एक क्यों आई तो अभी दिवाली से पहले 400 से पार पहुंच चुका है, तो फिर सिर्फ दिवाली पर ही आपको लगता है कि दिक्कत होगी? मैं हमारे जो और मेहमान हैं, मैं लौटूंगी आपके पास, और भी मेहमान एक बार सबका रिएक्शन ले लें। फजील अहमद जी, क्या लगता है कि आखिर कौन है जिसे त्योहारों से दिक्कत है? क्योंकि हम तो जब त्योहारों की बात करते हैं तो हम हिंदू मुस्लिम एकता की तस्वीरें देखते हैं। मैं अभी ग्राउंड जीरो पर गई थी तो जो दिए बना रहे थे वो मुसलमान थे, फिर ये कौन से मुसलमान होते हैं जो देश में विरोध के नाम पर आगे आते हैं और ये कहते हैं कि नहीं इस त्योहार से हमें दिक्कत है? क्योंकि जितना मैं जानती हूँ देश का मुसलमान ये नहीं चाहेगा कि कहीं पर भी सौहार्द जो है वो बिगड़े। देखिए चारुलती, हम तो औरंगजेब की औलाद है इसलिए हमारी सोच अलग है थोड़ा देश से, क्योंकि हम लोगों ने इस देश को संगठित किया है। अच्छा। और 900 साल सेवा करके इस देश को अखंड भारत बनाया है। और आज सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऑर्डर कर दिया कि पटाखे नहीं जलाना है, तो दिल्ली में मोदी जी की सरकार है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दे बिल ला करके और कहें कि पटाखा जलाना है, क्यों नहीं करती ये काम? ये करना चाहिए ना। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपको मना कर दिया, और तीसरी बात कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर दलित समाज के लोग शोभा यात्रा निकालते हैं,
उस शोभा यात्रा की खासियत क्या होती है कि उसमें संविधान की कॉपी बांटी जाती है। उस शोभा यात्रा पर पत्थर कौन चलाता है? बाबा साहब की मूर्ति कौन तोड़ता है? बाबा साहब तो हिंदू मुसलमान नहीं थे, वो तो महापुरुष थे, इस देश के संविधान बनाए हमारे देश का, और बेहतरीन संविधान बनाया है कि आज इनको पेट में इतनी दर्द है कि ये संविधान जो वहां दलितों को अधिकार देता है, मुसलमानों को अधिकार देता है। गिरिराज सिंह ने अभी बिहार में क्या कहा उस पर कोई बात नहीं करेगा। देखिए, जब आप छेड़ेंगे तो आपको भी लोग छेड़ेंगे, ये तो बात सोच लीजिए आप। और बकरा क्या सिर्फ बकरीद में कटता है? बाकी दिन में बकरा देश में नहीं कटता है। अभी नवरात गुजरा है, नवरात में बकरे का मीट खोजने से नहीं मिला, क्योंकि मुसलमान का वो अगर लोग जो खाना बंद कर दिए उनका प्रोडक्शन कम हो गया तो बकरा कौन खाता है भाई? और होली में बकरा नहीं खाते क्या? अब दिवाली में भी खाने वाले खाते हैं और होली में बकरा नहीं कटता है। तो ये सब जो टूल किट है बीजेपी की, नफरत फैलाओ, देश को तोड़ो, क्या कर लेंगे? 15 करोड़ हिंदू है, क्या कर लेंगे? 400 से 240 पर तो आ गए, अगली बार 140 पे आ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे ये लोग। तो 5-10 साल तो किसी को भी सरकार चलाने को मौका मिलता है। किसे करने की बातें यहाँ पर हो रही है फजील अहमद जी? क्या बोले आप? किसे खत्म करने की बातें की जा रही है यहाँ पर? भाजपा को खत्म करने की बात कर रहे हैं, 240 से 140 हो गए, और जैसे ही ईवीएम हटेगा, बैलेट पेपर आ जाएगा तो 140 हो जाएंगे ये लोग। ये नफरत ये देश नहीं चाहता, ये मोहब्बत का देश है। दुनिया में कभी भी बड़ी बड़ी मुगल आए, अंग्रेज आए, सब लोग आए, कभी भी जिसने भी मोहब्बत बांटी वो इस देश पर राज किया है, कभी नफरत के लोग राज नहीं किए। रहा सवाल, जब अरविंद केजरीवाल आए तब सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला नहीं था, अब सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है। हम तो कह रहे हैं कि भाजपा के लोग पार्लियामेंट बिल ला के कल ही पलट दे उस फैसले को, और कहें कि नहीं पटाखा जलाना है, ये भी तो करें। विमल जी, आप सिर्फ बातें करेंगे बड़ी-बड़ी, मैं जवाब लेती हूं विमल जी से, मुसलमान में नफरत फैलाएंगे। मैं विमल जी से जवाब लेती हूं। विमल जी, यहां पर देखिए, ये कह भी रहे हैं फजल अहमद जी कि आप लोगों के हाथ में तो है ना, दिल्ली में सरकार है, तो फिर आप क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं? कई सारे कानून अब से पहले जो हैं, कई सारे ऑर्डिनेंस ऐसे जो हैं, उन्हें पलटा गया है, तो फिर यहाँ पर ठीक है। मैं फजल जी पूछ रही हूँ, सुन लीजिए इस मामले पर, मैं समझा पा रही हूँ। एससी एक्ट को सुन लीजिए, मैंने पूछ लिया। देखिए, अगर सुनिए फजल अहमद जी, अगर ऐसे देखें तो बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जो पलटे गए। मैंने संक्षिप्त में उन्हें ये समझा दिया कि बहुत फैसले पलटे गए हैं, तो फिर इस मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे पूरा समय दीजिएगा चारुल जी, क्योंकि मुझे 3 वक्ताओं का जवाब देना है। सबसे पहले तो मैं यश जी का जवाब दे देना चाहता हूँ। यश जी ने बोला कि मैं हिंदू हूँ और मुझे बुरा लगा है कि जो है वहाँ पे डीजे पे गाना चलाया गया, गंदी गाली चलाई गई। यश भाई, मैं भी हिंदू हूँ और मुझे बहुत बुरा लगा है कि इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। तो मुझे हिंदू और मुझे बुरा ये लगा कि जब जो है संसद में कहा जाता है, एक संसद के द्वारा और एक पार्टी के जो है बहुत बड़े नेता के द्वारा, कि हिंदू हिंसक है, जब हमारे पुरुषोत्तम राम जी को जो है बताया जाता है कि वो काल्पनिक है, तब भी मुझे बुरा लगता है। जब जो है हिंदू को जो है डेंगू मलेरिया बताया जाता है, देखिए यार, यस भाई, इस बीच में टीपा टिप्पणी मत कीजिए यार, बड़े प्यार से, बड़े इत्मीनान से आपकी बात को सुन रहा था यार। भाई सुनो, हम लोग डेली जो है अलग अलग चैनल पर बैठते हैं, अगर इस तरीके से आप डिबेट करेंगे तो मैं आपको वहां नहीं बोलने दूंगा। सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब ये कहा जाता है राहुल गांधी के द्वारा कि जो लोग मंदिर जाते हैं वही आकर जो है हिंदुओं बेटियों के साथ विमल जी का जवाब हम ले रहे थे। विमल जी, आप अपना जवाब पूरा करें। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ बड़े इत्मीनान के साथ, सारे मैं पैनल के अपने नेताओं का बात मैं सुन रहा था, मैं भी आशा करता हूँ कि मेरी बात को सुनेंगे। जब हिंदू आतंकवाद बोला जाता है ना चारुल जी, तब भी दर्द होता है, क्योंकि हम हिंदू हैं, बुरा लगता है हमें। जब बोला जाता है कि हिंदू जो है वो हिंसक है, और एक सदन में बोला जाता है, तब भी हम जो है हमें बुरा लगता है। जब हिंदुओं को जो है डेंगू मलेरिया बोला जाता है, तब भी हमें दर्द होता है, और दर्द तभी होता है जब जो है राम जी को, जिसको हम लोग मानते हैं पुरुषोत्तम राम जी को, जो है काल्पनिक बताया जाता है। दूसरी चीज, हमारे भाई जो है बात कर रहे थे महाराष्ट्र के बारे में, मेरे मित्र, आपकी सरकार थी ना महाराष्ट्र में, जिस समय जो है वहां पे साधुओं की जो है निर्मम हत्या कर दी गई थी पालघर में, और आपके जो है मुख्यमंत्री जी जो है उनके कान में जो है जुए तक नहीं रेलते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आप जो है हिंदू का जो है आप जो है सर्टिफिकेट मत बांटिए। अभी हमारे मित्र जो है आम आदमी पार्टी की बात कर रहे थे,
देखिए जब अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे, जब 2015 में उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया था, उनका एक वीडियो भी है, उन्होंने कहा था जो कि दिल्ली को हम जो है लंदन और पेरिस बना देंगे। लंदन का जो AQI लेवल अभी का है, जो भी मैंने अभी जो है गूगल पे सर्च किया, 33 है, और जो पेरिस का जो AQI लेवल है वो है 62। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली का जो AQI लेवल जो कल का था वो 350 प्लस था, 400 भी था कहीं कहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो है हमेशा कहते थे कि पंजाब से जो है पराली जलाई जाती है तो यहाँ पे जो है पॉल्यूशन आ जाता है, हरियाणा के जो किसान जो है वो पराली जलाते हैं तो यहाँ पॉल्यूशन आ जाता है। अरे भाई अब तो जो है पंजाब में आपकी सरकार है, रोकिए, वहां पे लॉ लेकर आइए, कानून लेकर आइए। दूसरी बात देखिए चारुल जी, मैं उत्तर प्रदेश और बिहार मतलब बलिया का रहने वाला हूँ, और हमारे यहाँ जो है एक बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है, छठ महापर्व, और हमारी माता जी जो है उसकी पूजा करती हैं, सूर्य की उपासना करती हैं। और आज देखिए जो है यमुना का क्या स्थिति है, वहां पे जो है ऊपर देखिए आपको आसमान में बादल मिलेंगे और यमुना जी में जाइए वहां भी बादल मिलेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि ये इन्होंने बना दिया, आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, उत्तराखंड चले जाइए, देखिए गंगा जी कितनी स्वच्छ और निर्मल है। यही दिल्ली के अंदर जो है जिसको जीवन दायिनी कहा जाता है यमुना जी को, और आज यहाँ पे देख लीजिए जिस तरीके से जो झाग का पानी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने डुबकी लगाया, चैलेंज दिया अरविंद केजरीवाल जी को कि आइए यहाँ पे डुबकी लगाइए, और वो दो दिन से जो है ICU में एडमिट है, RML में। मैं कहना चाहता हूँ चारुल जी, दुख तो होता है जब हिंदुओं के जो है त्योहारों पे जो है पथराव किया जाता है, क्योंकि हम हिंदू है, बुरा इन्हें नहीं लगता है, बुरा हमें भी लगता है। मैं कहना चाहता हूँ कि जब हिंदुओं की जो है भावना को ठेस पहुंचाई जाती है तो बुरा लगता है। मैं यही कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी जो है का जो मोटो है वो सबका साथ सबका विकास है। हम कभी जो है धर्मों की जो है बांटने की बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी की कोई भी योजना उठाकर देख लीजिए, इतना जो है हिंदू जो लाभान्वित है उससे ज्यादा जो है मुस्लिम जो है लाभान्वित है। और आज देखिए ये हिंदू मुस्लिम की क्या बात करेंगे, मुस्लिम महिलाओं को जो है तलाक 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 देख बोलकर जो है तलाक दे दिया जाता था, इस दर्द को प्रधानमंत्री जी ने सोचा। एक मिनट, आपने क्या कहा? बोलिए नहीं, इन्होंने क्या कहा कि लाभार्थी मुसलमान भी है। अरे भाई GST मुसलमान से नहीं लेते क्या आप GST मत लीजिए, मत दीजिए लाभ। भारत का नागरिक को जो GST आप लेते हैं ना उसी पैसे से लाभ देते हैं, तो आप GST मुसलमानों से मत लीजिए और लाभ मत दीजिए। ये कौन सा एहसान कर रहा है कि हम लाभ देते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि मुस्लिम महिलाओं को जो है तलाक 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 कहकर जो है उनके घर से भगा दिया जाता था, उनके ऊपर कितने तरीके का अत्याचार किया जाता था, आपको तो पता ही है, पूरा प्रोसेस आपको पता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस दर्द को प्रधानमंत्री ने समझा। एक बार पवन जी कुछ कहना चाहते हैं। जी पवन जी, देखिए चारू जी, आज अगर देश के टॉप 10 पॉलिटिकल टैरो की सूची देखेंगे तो उसमें से 9 भारतीय जनता पार्टी या सरकार है, इनके शहर है। तो भाजपा ने क्या किया? दूसरी बात, आज देखिए आंकड़े बताते हैं कि चाइना पटाखे का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, पर हमारे देश में लगभग 80% पटाखे चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं, हर साल लगभग 10,000 करोड़ का व्यापार होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या सेटिंग हो गई है, ऐसी क्या डिलीवरी हो गई है चाइना से इंपोर्ट करने पर इतना जोर लगा रहे हैं? दीपक चलाओ या बांटो, सेटिंग तो हमारा त्योहार है। सेटिंग के बारे में पूछिए, जब राहुल गांधी चाइना जाते हैं सेटिंग के बारे में, राहुल गांधी जी जब देश में कोई पोस्ट नहीं थी तब की चुनाव का समय आ जाता है तो जनेऊधारी बन जाते हैं, अपना गोत्र बताने वाले लोग क्या बात कर रहे हैं? मैं अपनी पूरी बात रख लूं क्या? जी एक बार जी पवन जी जवाब पूरा करें। मुझे लगता है बीच में पूरी बात सुन लेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब पूरा उत्तर भारत पॉल्यूशन की समस्या जूझ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी चाइना से पटाखे इंपोर्ट करने पे क्यों जोर दे रही है? भाई दीपक जलाओ, मिठाइयां बांटो, सेलिब्रेट करो जैसे हम करते हैं। दूसरी बात रही बात पूर्वांचल की, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी छठ घाट बनवाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता पूर्वांचलियों को मंच के ऊपर गालियां देते हैं, पूर्वांचल के नाम पे बिहारी कहकर संबोधित करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों की विरोधी पार्टी है और हिंदुत्व की विरोधी पार्टी है। भाई चाइना से अगर पटाखे इंपोर्ट करने पे भाजपा का नेताओं को क्या फायदा होगा? हमारे देश के पैसा को चाइना भाजपा क्यों भेजना चाहती है? क्योंकि क्या सेटिंग हो रही है? भाई सेटिंग भाजपा की है, हमारे हिंदू धर्म में भारतीय जनता पार्टी का मुताज नहीं है। हमारा धर्म कहता है कि भाई सबसे मोहब्बत से रहो, हम
का बुरा नहीं चाहते, आज दिल्ली के अंदर उत्तर भारत के अंदर बुजुर्गों को समस्या हो रही है, बच्चों को समस्या हो रही है, पॉल्यूशन की समस्या है, सरकार जूझ रही है, सरकार ये पहले से संसद चली आ रही है हमारी, तब कोई चाइना से व्यापार नहीं था। ठीक है, जवाब दे दो एक बार, क्या कह रहे हैं? माफ बोलिए, हाँ मैं जवाब दे देता हूँ चारुल जी। हमारे मित्र जो है पटाखे की बात कर रहे थे, हमारे मित्र चाइना की बात कर रहे थे, मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए दिल्ली के अंदर जब अरविंद केजरीवाल जी आए थे, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो है भाई साहब प्लीज यार बीच में नहीं बोला था यार, ऑड एंड इवन रूल जो है उन्होंने लागू किया था कि जो है ऑड की जो गाड़ियां हैं वो इस डेट में आएंगी, इवन की जो लास्ट जो नंबर जो है इवन है वो जो है इस डेट में आएगा। लेकिन आपने देखा था उस समय जो ये फ्लॉप रहे थे, क्यों रहे थे फ्लॉप? क्योंकि इनके पास देखिए कोई भी जो है अगर आप आइडिया लेकर आते हैं तो इसको एग्जीक्यूट करिए, कोई प्लान नहीं रहता है, एडवर्टाइजमेंट करा देते हैं। डेंगू मलेरिया इन्होंने बोला था खत्म कर देंगे दिल्ली के अंदर, एमसीडी में तो इनकी सरकार है ना, आप देखिए दिल्ली के अंदर जाके चारुल जी आप हर जगह जो है आपको कूड़ा कचरा जो है दिखाई दे देगा। इन्होंने कहा था कि हम जब एमसीडी हमारे अंदर आ जाएगी हम जो है जो कूड़े का पहाड़ उसको हम खत्म कर देंगे, लेकिन उन्होंने खत्म नहीं किया। वो तो शुक्रगुजार है नितिन गडकरी जी का कि उन्होंने जो है दिल्ली का जो गाजीपुर का जो कूड़ा है उसको जो है दिल्ली और मुंबई जो एक्सप्रेसवे है उसमें उन्होंने डाला। मैं ये कहना चाहता हूँ चारुल जी इनके पास कोई जो है इनके पास जो है प्लान नहीं होता है और एडवर्टाइजमेंट जितने का इनके पास जो योजना नहीं होता है ना चारुल जी, चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ मैं, पढ़ के आता हूँ, मैं आंकड़े पे बात करता हूँ, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ कि जितने इनका योजना नहीं है उससे ज्यादा इनका जो एडवर्टाइजमेंट होता है, तो फ्लॉप रहते हैं। आज देखिए उन्होंने बोला था कि यमुना जी को हम स्वच्छ बना देंगे, यमुना जी में जो है आपको जो है बोटे जो है चलते हुए नजर आएंगी, आज देखिए यमुना जी में जो इंसान खड़ा नहीं हो सकता। विमल जी ठीक है महाराज जी, ठीक है पवन जी महाराज जी, देखिए यहाँ पर ये लगातार कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, त्योहारों के नाम पर बयानों की फुलझड़ियां तो चल जाती हैं लेकिन पटाखे चलाने पर बैन है। और आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि जब प्रभु राम आए थे तब आतिशबाजी नहीं हुई थी, तो सिर्फ और सिर्फ दिए जलाकर आप दीपावली मनाएं। नहीं, किसने कहा कि आतिशबाजी नहीं हुई थी? आतिशबाजी उस टाइम भी थी, उस स्तर में भी हुई थी, ढोल नगाड़े हुए थे, सब कुछ। आतिशबाजी का हमारा बहुत पहले से चल रहा है, कोई आज नहीं है, नया नहीं है, ये 50 सालों में चल रहा हो कि आजादी के बाद से हमारे आतिशबाजी शुरुआत से चलती थी और आतिशबाजी का इससे नहीं जुड़ा। अरे आप पहले सुन लो, आतिशबाजी का इससे वैज्ञानिक है कि जब बरसात होती है बरसात में कीट पतंगे वगैरह सब खूब बढ़ जाते हैं, खूब डट के, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो कोई नहीं बता। अरे शांत रहिए, अभी आपका आप जितना बोल रहे थे ना वो सब सुन लिया था हमने, आप सुन लीजिए। चाइनीज लड़ी लगा दे रहे वो आप बोलते रहिए, हमें मालूम है कि आपका स्वभाव है, आपका स्वभाव। मैं आतिशबाजी की बात कर रहा हूँ, तो तब ये था कि जो शरीर से जितने रेंगते हुए जानवर थे, अरे चुप रहिए सुनिए पहले, तो ये आतंकवादी छुड़ाई जाती थी, जी जला ही रहे हैं, ये आतंकवादी से छुड़ाई जाती थी कि वो सब फजील अहमद जी जो दिए जला रहे हैं वो ये जानते हैं कि नहीं आतंकवादी क्या है, आतंकवादी कोई जलाता है क्या बताएंगे, नहीं हमारी आस्था नहीं मालूम आपको है ना, फजील अहमद जी दिया विया नहीं जलाते हैं, दिया विया नहीं दिया जलाते हैं, हर चीज से धार्मिक नहीं, एक बात नहीं है, पूरब के भाषा पर दीप जो है आप यहाँ पर बैठे हैं, हम आपकी भाषा पर ना जाएं तो किस पर जाएं? अगर अभी कोई गेस्ट नहीं, अगर कोई गेस्ट आपके किसी भी वर्ड को, किसी धार्मिक आस्था से जुड़े वर्ड को इधर उधर बोल दे तो आपकी भावनाएं भी तो आहत हो सकती हैं, तो आपको भी तो दूसरों की भावनाओं के बारे में सोचना चाहिए। घर में 200 दिए जलते थे, आज सब चाइनीज झारल लगा रहे हैं। नहीं ठीक है, मैं उस चीज पर नहीं बोल रही हूँ, बात उस चीज की हो ही नहीं रही है, जिससे कीट पतंग मारे जाते हैं आज भी जलता है हमारे यहाँ,
अरे कड़वा तेल कहिए हमारे यहाँ चाइनीज ज्यादा नहीं बात करते हैं, क्या आइए आपको नाश्ता भी कराएंगे, आप देखिए आगे हमारे पाटिल भाई ये बहुत गलत बात है, आपके अगर आपके धर्म के ऊपर टीपा टिप्पणी की जाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आप प्लीज इस तरीके से नहीं बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है, गाना बजाते हुए जा रहे थे मुझे बुरा लग रहा है ना कि आप बोल रहे हैं कि दिया जला रहे जा रहे हैं, हमारा आस्था है ना, हमारा आस्था है, हम दिया ही जलाते हैं, हमारा आस्था है, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो है ना विश्व रिकॉर्ड होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, 28 लाख अभी आप यही कह रहे थे सबकी धार्मिक आस्था का ख्याल होली में, मैं यश जी आपके पास आऊंगी, आप नहीं जला रहे ठीक है, ठीक है ठीक है, यश जी आप चारुल जी देखिए ये जगह महाराज नहीं महाराज यश जी की बारी है, बोलिए यश जी। जी धन्यवाद चारुल जी, देखिए एक तो बारूद की खोज 9वीं शताब्दी में चीन में हुई थी, तो भगवान राम के समय बारूद तो नहीं था। दूसरी बात हम इस परिचर्चा में आज जो बात कर रहे थे वो ये थी कि भाई दिवाली से किसको आपत्ति है, तो मुझे तो ये लगता है कि बीजेपी आरएसएस वालों से ज्यादा आपत्ति हमारे त्योहारों में किसी और को हो ही नहीं सकती। ये विमल सिंह को देखिए आप, मैं इनको बता रहा हूं कि नवरात्रि की मूर्ति में गालियां बज रही हैं डीजे पे, विमल सिंह ने उसमें से डीजे पर लगा दिया, गाना लगा दिया और उसके बाद संसद याद दिला रहे थे कि जितनी आपत्ति आपने उठा के दिखाई है ना विमल सिंह, नरेंद्र मोदी चुपचाप खड़े रह गए थे जब राहुल जी ने उनको आपत्ति उठाई थी। और आज मैं भी बोल रहा हूं हिंदू हिंसक नहीं है, लेकिन बीजेपी आरएसएस वाले सबके सब हिंसक है, हिंदू है ही नहीं राहुल गांधी जी। और दूसरी बात, चुप रहो विमल सिंह बीच में नहीं, दूसरी बात अगर आप हमें बार बार ये याद दिलाएंगे कि हिंदू पे आपका कॉपीराइट है तो हम आपको रोज एक नया करारा जवाब देंगे। हमारे धर्म की प्रथाओं को तोड़ मरोड़ के आप लोग अपने मतलब के लिए उसको अपना रूप देते हैं और राजनीतिक पहलू मुस्लिम राइट कराते हैं, आपने कभी नहीं देखा मतलब महाराज एक मिनट यश जी, आपने अभी ये कहा कि बारूद तो उस सन में बना था, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि प्रभु श्री राम जब आए तो आतिशबाजी हुई होगी, मैं मतलब ये तो ये उतना ही तर्क हो गया कि फिर कपड़ों का इन्वेंशन कब हुआ, तो उससे पहले क्या लोगों ने कपड़े नहीं पहने, चारुल जी सुनिए, क्या उससे पहले भोजन नहीं खाया गया होगा? अरे सुनिए मेरा फोकस इस बात पे नहीं है कि बारूद की आविष्कार कब हुआ था, मेरा फोकस इस आपने तरह से बताया कि इस तारीख को हुआ तो कुरान के होने पर नहीं हुआ, तो फिर कपड़ों के इन्वेंशन की भी तारीख थी, तो क्या हमारे देवी देवता जब रहे उससे पहले तो आपके हिसाब से कपड़ों का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था चारुल जी, तो खाने का भी नहीं हुआ था, फिर गैस का भी नहीं हुआ था, तो किसी ने भोजन भी नहीं किया होगा, फिर तो यज्ञ भी नहीं हुआ होगा, नहीं नहीं बेकार की बात, आपने क्या कहा, आपने कहा कि बारूद तो उस समय बना नहीं था, तो आतिशबाजी कैसे, बिल्कुल कहा मैंने, तो फिर तो यज्ञ भी नहीं हुए होंगे, फिर तो पूजा भी नहीं हुई होगी, खराब कीजिए, मैं जो कह रहा था वो बारूद, आपका जो सवाल है मैं उसमें आपसे पूछ रही हूँ, अगर आप इस तरह सवाल नहीं है चारुल जी, आपका जो सवाल था आपने कहा कि बारूद तो उस टाइम बना था, मैंने कोई सवाल नहीं उठाया, आप जबरदस्ती मेरे बीच में बोल रही हैं सर, आपकी ही बातों को सपोर्ट ना करें तो किसकी बातों पे भरोसा करें, फिर ये बता दें, है ना विमल सिंह देंगे अभी वोट करने के लिए बात, एक से बढ़कर एक फालतू डायलॉग देंगे, सुनिएगा अभी मेरी बात सुनिए, अगर दिवाली हो दशहरा हो कोई भी त्योहार हो उसका नाम लेके अशांति फैलाई जाती है तो इतिहास गवाह है, तारीख गवाह है इस देश की कि उसके पीछे केवल और केवल बीजेपी आरएसएस वाले निकलते हैं, चाहे उनका नाम कुछ भी हो, बजरंग दल हो, कोई सी वाहिनी हो, कुछ भी हो, लेकिन इस देश साधु संत पीछे कांग्रेस होती है, आप बीजेपी और ये तो बाबा अपने जितने दंगे जितने हिंदू मुस्लिम राइट होते हैं उसके पीछे कांग्रेस होती है, आप बीजेपी के बात करते हो जितने हिंदू मुस्लिम राइट होते हैं उनसे कांग्रेस विरोध कर रहा है, यही धर्म को शांति हो नहीं दे सकते, नहीं दे सकते महाराज जी, महाराज जी एक सेकंड, महाराज जी, महाराज जी एक सेकंड, अंग्रेजों से महाराज जी हमारे बार बार बीजेपी और हमारे धर्म में लिखा है जब तक विभक्त से बड़ा भगवान है, साधु से बड़ा साधक है, संत से बड़ा भक्त है। साधुओं के बारे में अगर कांग्रेस बात करे, जिसने नई दिल्ली में क्या हुआ था जब पहुंचे थे साधु, नहीं क्या बेकार की बात है इसमें, जब साधु आए थे तो माता के साथ तो किसने अत्याचार किया था, किसने ऑर्डर दिया था,
वाले क्या कर रहे थे? देखी गई है बीजेपी वाले क्या किया गौ माता, मत बताइए कांग्रेस के राज में इतने बड़े बीफ एक्सपोर्टर खड़े नहीं हुए जितने आज हैं। कांग्रेस के राज में गौ माता पर तेजाब फेंका गया था, क्या ये झूठ है? कांग्रेस के राज में क्या ये झूठ है? क्या ये झूठ है? यश श्रीवास्तव जी, यश श्रीवास्तव जी, आप मुझे झूठा साबित कर दीजिए, आप साबित कर दीजिए कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तेजाब फेंका गया था कि नहीं फेंका गया? आप साबित कर दीजिए कि बीजेपी वाले बीफ एक्सपोर्टर नहीं है। मैं साबित बाद में करूंगी, आप पहले मुझे झूठा साबित करिए। आप पहले जवाब नहीं आपके पास, किसके राज में हो गया? जवाब नहीं आपके पास, जवाब नहीं है। आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं यहाँ पर, सब लोग भी बता दी चारों ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है। सबको पता है इतिहास में क्या हुआ है, किस तरह से साधुओं के साथ और गौ माता के साथ क्या बर्बरता हुई थी, सबको पता है। निपुण आलम जी के पास आना चाहूंगी, ठीक है महाराज जी, महाराज जी ठीक है। निपुण आलम जी, यहाँ पर जिस तरह से शुरुआत की गई थी, यहाँ पर कोई साफ हवा के बारे में बात नहीं करता है। त्योहार मनाने का अधिकार सबको है, लेकिन कोई नहीं मना पा रहा है। सरकारें बदल जाती हैं, नेता बदल जाते हैं, लेकिन कोई देश के लिए कुछ नहीं कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती है त्योहारों के नाम पर, और ये कब तक चलेगा? देखिए चरण जी, मैंने बहुत शांति से सबको सुना और मुझे पूरा विश्वास है सब मेरी बात को सुनेंगे बड़े ध्यान से। अभी आप देखिए, तीन यहाँ पर आम आदमी प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और जो मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं, तीनों ने हिंदू धर्म के ऊपर बात की। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता ये कहते हैं कि राम जी के जमाने में पटाखे नहीं थे, दीपक जलाए जाते थे। तो क्या मोहम्मद साहब के समय में लाउड स्पीकर होते थे, जो मस्जिदों पे लाउड स्पीकर में आवाज़ होती है? एक बार कह दीजिए आज कि हाँ, लाउड स्पीकर भी जरूरी नहीं है, बगैर लाउड स्पीकर के भी अल्लाह सुनेगा, तो लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है। आपको बोलना चाहिए, आप नहीं बोले, वोट बैंक की राजनीति। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत बात बोल रहे थे, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, कम से कम उनके वस्त्रों का ध्यान कर लेते कि भाई आपके हिंदू धर्म आप बड़ा हिंदू हिंदू कर रहे हैं, उनके वस को देख लेते, उनके बुजुर्ग, उनके शरीर को देख लेते, उनकी उम्र को देख लेते, अच्छा लगता। और मुझे तो आज बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक नेशनल चैनल पर एक मुस्लिम स्कॉलर बैठ के कह रहा है कि हम औरंगजेब की औलाद हैं। शर्म नहीं आई इनको बोलते हुए कि औरंगजेब की औलाद हैं? और कहते हैं 900 साल तक सुन लीजिए, बहुत बर्दाश्त करना बैठ के आपकी बात को, आपको शर्म नहीं है कहते हुए? आप कहते हैं 900 साल तक देश को एक बनाए रखा, अफगानिस्तान आपने अलग किया, पाकिस्तान आपने अलग किया, आपने बांग्लादेश अलग किया, तमाम अलग किया, बांग्लादेश में हिंदुओं की गर्त बनवा दी, बांग्लादेश इसी सोच ने अफगानिस्तान में बुद्ध प्रतिमाओं को बम लगा लगा के उड़ा दिया, और आपको शर्म नहीं आती कि ये बात आप अकबर के नाम ले लेते एक बार को, हम मान लेते रहोगे वही रहोगे। और तुमने कहा की बाबा जी सुन लीजिए, आपको पता है ना भाई साहब सुन लीजिए, आपको पता है ना औरंगजेब का चरित्र कैसा था भारत के लिए? आप अकबर की बात बोलते नहीं कहना औरंगजेब के औलाद, आप हिंदुओं को भड़का रहे हैं, आप हिंदुओं को भड़का रहे हैं, आप मुस्लिमों को भड़का रहे हैं, आप नहीं हो सकते मुस्लिम। अकबर की आप तारीफ कर सकते थे, अकबर ने देश बांधा था, औरंगजेब ने देश बांटा है। औरंगजेब बदतमीज था, बदतमीज शासक था, नालायक देश था। अकबर की तारीफ कीजिए, अकबर आइडियल हो सकता है, अशोक आइडियल है, अकबर आइडियल है, राम आइडियल है, औरंगजेब नहीं, बिल्कुल नहीं, औरंगजेब नहीं। बंटवारा करो आप लोगों ने, आपकी जैसी सोच ने बंटवारा कराया। अकबर कहते ना कि हम अकबर की औलाद है, मैं आपको कहता हूँ वाह, आप सही मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप भारत कर रहे हैं, आप तो हम क्यों कहें, क्यों आप कह रहे हैं ना, क्यों कह रहे हैं आप, कहीं हम अकबर की औलाद है? आप चाहते हैं देश का बंटवारा हो, आप लोग चाहते हैं देश का बंटवारा हो, आप मुस्लिमों को भड़का रहे हैं। अरे बताइए, अच्छा एक मिनट, आपने कहा दिया भी है, भाई साहब बाबा जी एक मिनट, एक प्रश्न, महाराज
एक प्रश्न पूछूंगा, आपने कहा कि दिए नहीं जलाए जाते अब मुस्लिम, आपका चीन से झालरें लाई जाती हैं ना, आप कहां जला रहे? अरे सुन लीजिए ना, एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, बकरीद जो होती है, अरे सुन लीजिए जनाब, जनाब सुन लीजिए, बकरीद का नहीं सुनेंगे आप, आप सुनेंगे ही नहीं, आप बोलते रहेंगे, भौंकू बजाते रहेंगे, सुनने गए नहीं आप, आप एक बस एक प्रश्न उत्तर दे दीजिए, बकरीद की परंपरा, अरे बाबा जी एक मिनट, भाई साहब औरंगजेब की औलाद जी, मुझे एक प्रश्न उत्तर दे दीजिए, जो बकरी, अरे सुन लीजिए ना, आपने बोला, आपने घोषणा की है, आप औरंगजेब की औलाद, आपने घोषणा की है, एक प्रश्न मेरा ये बता दीजिए, बकरीद की जो परंपरा है उसमें बकरा पहले बचपन से पाला जाता है तब उसका हलाल किया जाता है, या ऐसा होता है? होली में तो बिना पाले काटते थे, होली की छोड़िए, आपने कहा कही ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितने मंडी सस्ती है, होली में पाल के काटते हैं, छोड़िए आप होली की बात मत, अरे होली की बताइए, की बात कीजिए, हमारे पकड़ा गया चारों जी, होली की बात, उसने आपके मुझे खिला दिया, नशा में कुत्ता भी खा ली, लग रही है नहीं लग रही है, नशा में कुत्ता भी खा ली, आप औरंगजेब की औलाद है, आप औरंगजेब की औलाद है, आपसे कैसे बात करें, आप औरंगजेब की औलाद है, बताइए बात करें आपसे, आपको क्या दिक्कत हो रही है, आपको क्या दिक्कत है, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो भी बयान दे वो इस तरह से दें कि किसी के धार्मिक नहीं, तो जैसा कहेगा वैसा सुनेगा, ये बात जान लीजिए, हमारी ओर से होगा भाई साहब, अच्छे से होगा, ठोक के होगा, दस गुना, दस गुना, बीस गुना जवाब मिलेगा, दस बीस गुना जवाब मिलेगा, आप भाषा बदतमीजी करेंगे ना तो बदतमीजी बनेगी, अगर आप बदतमीजी करेंगे, आपने शुरुआत की, आपने कहा, मैंने नहीं कहा था, आपने कहा औरंगजेब की औलाद, शुरुआत आपने की, आपने कहा औरंगजेब की औलाद, औरंगजेब की औलाद बताएगी बदतमीजी क्या होती है, बिल्कुल औरंगजेब, आप कहिए ना, आप नहीं है, आप बदतमीज हैं, आप बदतमीज, आप बदतमीज, छोटे छोटे राजा थे उन सब, ठीक है, देखिए ये चर्चा जो है ये बहस की ओर पहुंच चुकी है और बहस में कभी किसी बात का समाधान नहीं निकला। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इंडिया का सवाल में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, नमस्कार।